नमस्कार दोस्तों, स्टार्स एंड फोल्डेड पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रोहमान शॉल के बारे में, जो पेशे से एक एक्टर और एक मॉडल हैं। रोहमान शॉल का जन्म 4 जनवरी 1991 को नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम रियाज शॉल है और उनकी माँ एक हाउसवाइफ है। रोहमान की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम नाडिया शॉल है। वह एक मिडिल क्लास मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि रोहमान के परिवार का उत्तराखंड के नैनीताल में शॉल का एक व्यवसाय है। अब आप इससे अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि रोहमान के नाम के पीछे शॉल क्यों लगा है कि नहीं। वह मूल रूप से कश्मीर के रहने वाले हैं। रोहमान ने शुरुआती पढ़ाई सुनवाल स्कूल सरोवर नगरी से की और आगे की पढ़ाई उन्होंने UIT देहरादून से की। और हाँ, अब आपको बता दें कि बाकी बच्चों की तरह रोहमान भी बचपन में काफी शरारती हुआ करते थे। रोहमान की गुड लुक्स तो आप सभी ने देख ही ली हैं। इससे भी जुड़ा एक किस्सा है जिससे उनके मॉडलिंग करियर की शुरुआत हुई। बात है देहरादून की। देहरादून में एक समारोह था और वहाँ पर मुंबई के एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़ा एक व्यक्ति भी पहुंचा हुआ था। जैसे ही उस व्यक्ति ने रोहमान को देखा, वह रोहमान की डैशिंग पर्सनैलिटी से इतना प्रभावित हुआ कि देखते ही उसने रोहमान को मॉडलिंग करने की सलाह दे डाली। और फिर क्या था, अपने माँ बाप को बिना बताए जनाब ने अपना बैग उठाया और मुंबई की हवा में ही आके सांस ली। वर्ष 2015 में रोहमान ने अपना पहला फोटोशूट करवाया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई फोटोशूट करवाए और मॉडलिंग की दुनिया में अपनी जगह बना ली। उन्होंने कई फैशन डिजाइनर्स के लिए रैंप वॉक भी किया। अब आपको विराट और अनुष्का की शादी और उनकी वेडिंग ड्रेसेस तो याद ही होंगी। रोहमान शॉल ने विराट और अनुष्का की वेडिंग ड्रेसेस डिजाइन करने वाले मशहूर इंडियन फैशन डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी के लिए भी रैंप वॉक किया है। वर्ष 2018 में रोहमान ने शिल्पा शेट्टी के अमेजोन प्राइम सीरीज हियर मी लव मी में अभिनय भी किया। तो अब बात करते हैं कि रोहमान की मिस यूनिवर्स एवं अभिनेत्री सुष्मिता सेन से मुलाकात कब, कैसे और कहां हुई। असल में लगभग 8 महीने पहले रोहमान एक फैशन शो में थे और वहां पर सुष्मिता सेन भी पहुंची हुई थी और बस फिर दोनों की मुलाकात हो गई। होना क्या था, धीरे धीरे रोहमान और सुष्मिता एक दूसरे के करीब आने लग गए और तो और यह दोनों इंस्टाग्राम पर फोटोज भी शेयर करने लग गए। सूत्रों की बात माने तो रोहमान और सुष्मिता सेन जल्द ही शादी करने जा रहे हैं। हालांकि सुष्मिता सेन ने ऐसी सारी खबरों को नकारा है। अब देखते हैं कि होता क्या है। खैर छोड़िए, अब बात करते हैं रोहमान की हॉबीज के बारे में। उन्हें सिंगिंग, स्केचिंग और गिटार बजाना बहुत पसंद है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल स्टार्स अनफोल्डेड को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। रोहमान शॉल से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए स्टार्स अनफोल्डेड के लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।